रखना चाहेंगे, एक बार जरा आप वोडाफोन आइडिया को चेक कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो क्यूरेटिव पिटीशन है एजीआर को लेकर, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर, उस पर सुनवाई होनी है। और दो तीन अहम मुद्दे हैं, जैसे कि कैलकुलेशन वाला मामला है, थोड़ा सा जुर्माने वाला मामला है। कल हमने देखा कि इसमें तेजी रही 2% के आसपास की, सिटी की अच्छी रिपोर्ट भी आई थी वोडाफोन आइडिया को लेकर। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? तो अगर मैं ब्रॉडर चार्ट देखू वोडाफोन आइडिया का, तो प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। एक बेसिंग फॉर्मेशन बना था 2-3 महीने पहले, और अगर आप ब्रेकआउट की बात करें तो करीबन ब्रेकआउट पॉइंट है इसका 18 के ऊपर, जो पोजिशनल ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर आज की बात करें तो आपको बहुत बारीकी से लेवल्स ट्रैक करने हैं 16.60। अगर ये लेवल डे ट्रेडिंग में ब्रेक होता है, क्योंकि दोपहर को मेरे हिसाब से 1-1.5 बजे के आसपास ये ऐलान होगा कि उसका जो केस पेंडिंग है उसके बारे में, तो अगर पॉजिटिव रहा तो ये ब्रेकआउट वर्क हो जाएगा। वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो आपके टारगेट 18.5 तक डे ट्रेडिंग या कल तक बनते हुए दिखेंगे। तो बहुत बारीकी से लेवल को ट्रैक कीजिए। ओवरऑल जो ब्रॉडर व्यू है पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि स्टॉक 2-3 महीने के अवधि से 20 या 22 तक जा सकता है, तो बाइंग की रणनीति रहेगी। पर डे ट्रेडिंग के लिए जो लेवल्स दिया है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो सपोर्ट एरिया है करीबन 16 का, और टारगेट एरिया बनेगा करीबन 18-18.5 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए।